टप्पल थाना क्षेत्र के गांव मालव में वृद्ध 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे श्रद्धालु की अचानक तबीयत बिगड़ गई। एम्बुलेंस के माध्यम से टप्पल CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर तीनों श्रद्धालुओं की गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टर मोहित भाटी ने अलीगढ़ जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। 108 एम्बुलेंस के माध्यम से श्रद्धालुओं को जिला अस्पताल पहुंचाया गया। श्रद्धालुओं का आरोप है कि यमुना के पास अधिक गर्मी होने के कारण लोगों में स्थिति बिगड़ रही है, बीमारियां फैल रही हैं क्योंकि उमस भरी गर्मी में कीचड़ से होकर निकलना पड़ता है, जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हो रही है क्योंकि शासन प्रशासन ने श्रद्धालुओं के निकलने के लिए कोई उचित रास्ता नहीं बनाया। टप्पल थाना क्षेत्र के मालव में वृद्ध 84 कोस की परिक्रमा लगा रहे श्रद्धालु की तबीयत खराब हो गई। एम्बुलेंस की मदद से शाम तक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और इसके बाद अलीगढ़ जिला अस्पताल मलखान सिंह रेफर किया गया। दो महिलाएं एक पुरुष परिक्रमा करते हुए टप्पल क्षेत्र के गांव मालव और जटपुरा के बीच पहुंचे। बीच रास्ते में होने से यमुना का किनारा है, जहां अत्यधिक गर्मी होने के कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है, श्रद्धालु बीमार हो रहे हैं। वहीं परिक्रमा लगा रहे लोगों में से भवानी शंकर निवासी गांव गणेशपुर जिला भीलवाड़ा राजस्थान की पत्नी की हालत सीरियस बनी हुई है। रास्ते में उल्टी दस्त होने लगे, जिसके कारण गांव के लोगों ने हमें टप्पल भेजा। टप्पल स्वास्थ्य केंद्र से हमें जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है, सीरियस हालत है। परिक्रमा में छोटे मोटे डॉक्टर बैठे हैं जो टैबलेट देकर बस टाल देते। अलीगढ़ से लक्ष्मण सिंह राघव की रिपोर्ट। आज 8 अच्छा, क्या है पूरा मामला, आप हॉस्पिटल में हैं? ठीक है, जो कल से बुखार आई, उल्टी दस्त, तो हमने गांव में प्राइवेट इलाज करा लिया। फिर जमुना जी निकल आए कल, आज जमुना जी निकल कर गंभीर हो गए। अच्छा, अब इनको कहाँ भेज रहे हैं? अब कहाँ नहीं लाए थे हम, पे पैसे वैसे है नहीं, तो स्वास्थ्य विभाग की टीम में नहीं है क्या वहाँ पर? और परिक्रमा में नहीं है, छोटे मोटे बैठे, छोटे मोटे हैं, गोली मोटी दादा भजा देते हैं। अच्छा, कल प्राइवेट इलाज करवाया था, 300-400 रुपये ले लें। अब हालत गंभीर है क्या? गंभीर है जी, उसको उल्टी दस्त, ऐसे पेशाब करते ऐसे तो उल्टी जा रही है, वो दस्त जा रही है। कैसी हालत है अभी? गंभीर है, मान लो और दिल है, बोले नहीं रहे सही। हम तो 5-7 आए थे, हम अकेले ये रह गए। हमने तो बीमारी हालत में कहाँ थे, क्या दिक्कतें आई थी बताइए? पहले तो 2-3 टट्टी हुई और 2-3 उंटी हुई बस। क्या रास्ते में सुविधा नहीं है क्या? हाँ हाँ, रास्ते में सुविधा है। नहीं, सुविधा स्वास्थ्य विभाग की सुविधा है वहाँ पर? नहीं समझ में आई। डॉक्टरों की व्यवस्था है वहाँ पर? हाँ, मिल रही है। अच्छा, इसके बावजूद फिर गठिया दिखाए बने के भाई दवा हम बना दी। अच्छा, फोन करें देते हैं तो मैंने भैया फोन कर दिया। अच्छा, हालत गंभीर है क्या? बहुत ज़्यादा गंभीर है, अब तो सावधान रह गई। अच्छा, इतनी गंभीर है कि ये पानी डाले होने इनके ऊपर, कोई सिर पर कपड़ा भिजाई के रखो है।